ये विंडोज का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रखा हुआ रहता है वो विंडोज होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है ये सिंबल लगा हुआ है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेटअप आपका चलता है। अब कंप्यूटर थोड़े आपको कोई सामान इसमें रखा हुआ रहता है, सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तब काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो कंप्यूटर पे हम जैसे मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल लेते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं ऑन होता है कि नहीं, लिखा जाता है वीवो, लिखा जाता है रियलमी, लिखा जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब है रियलमी का या वीवो का अपना अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर दे दिया है इसीलिए लिखाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो काम करता है कि नहीं। तो पहले से एक एप्लीकेशन डाला हुआ है और उसमें जाके हम लोग उसमें डाल देते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें भी कई प्रकार के भाग होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं तो उसका पार्ट वाइज पार्ट होता है। तो जो चीज हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं उसको एप्लीकेशन कहते हैं और जो सिस्टम में रन करता है सिस्टम को रन कराते हैं उसको क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखा हुआ है इसमें हमको नहीं रखना है। इसमें क्यों नहीं रखना है कोई डेटा को, क्योंकि जब आप फॉर्मेट मारिएगा तो इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कभी आपका सिस्टम स्लो हो जाता है तो हाँ डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई डेटा को रखते हैं आपका भविष्य में वायरस भर गया तो उसमें क्या होता है फॉर्मेट मारना पड़ेगा सिस्टम को। अब फॉर्मेट मारिएगा तो सी ड्राइव को मारिएगा, सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ड्राइव को मारिएगा उसमें आप डेटा रखे हैं तो आपको तो टोटल डेटा उड़ जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दूसरा ड्राइव में रख लेते हैं कोई अन्य ड्राइव में, जिससे हम लोग सी ड्राइव को फॉर्मेट मारेंगे तो हमको डी ड्राइव बचा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑल मार देंगे तो सभी डेटा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को सी ड्राइव में नहीं रखना है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ नहीं रखना है। इससे दूसरा बेनिफिट आपको ये भी है यदि हम नहीं रखते हैं तो आपका सिस्टम हमेशा फास्ट रहेगा। अब मान के चलिए कंप्यूटर का दिमाग यहाँ पे चल रहा है, कंप्यूटर तो दूसरा चीज है, इसका टोटल एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 GB है और यहाँ पे 56 GB में से 18 GB ये फ्री है। फ्री का मतलब हो गया सो 56 GB है और 18 GB बचा हुआ है, यानी कि देख रहे हैं इतना भर गया है, ठीक है, इतना ही 18 GB मेरा खाली है। यदि 18 GB को भी भर देंगे तो मेरा सिस्टम स्लो होगा कि फास्ट होगा, स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाउनलोड करते हैं तो किस में जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। डेस्कटॉप पे कोई भी चीज रखते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रहता है, ऐसा मत सोचिएगा मेरा ड्राइव में है। जो सामान जो भी डेटा को हम डेस्कटॉप पे रखते हैं वो किस ड्राइव में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। इसीलिए हम लोग को किस में रखना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के डेस्कटॉप पे भी ज्यादा MB का नहीं रखना चाहिए। हम आप लोग को समझाने के लिए डेस्कटॉप पे बार बार रखते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, सामने में कीजिएगा, सामने में रखिएगा तो बारी बारी सीख ही जाइएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं डेस्कटॉप पे ज्यादा GB का, ऐसा नहीं 5 GB का आपको 500 GB का हार्ड डिस्क है और 400 GB डेस्कटॉप पे आप रख दीजिएगा तो कितना GB बच गया 100 GB, 500 GB का हार्ड डिस्क है और 100 GB आपको मूवी जो है फोल्डर बना के डेस्कटॉप पे रख दिए तो आपका 400 GB समझिए भर गया, ठीक है ना, 100 GB बचा तो आपका सिस्टम और स्लो हो जाएगा। उस GB को हम पार्ट बना के ड्राइव में रख लेंगे, पार्ट बनता है जैसे यहाँ पे 56 GB है और यहाँ पे आपको 62 GB है, SSD है तो SSD आपको है तो कम ही GB का है, हमको जरूरत नहीं है आप लोग के डेटा को मूवी रखना है, फोटो वगैरह सब रखते नहीं है आप लोग को तो पता है, आप लोग को सिखाने के लिए इसी में से फोटो लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं डिसाइड करके रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग चुनते हैं किसको, तो डेस्कटॉप को चुनते हैं, समझ गए। सेव का जब सेव करने का बारी आएगा तो आप लोग डेस्कटॉप चुन लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को दूसरा ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, तो नेम फाइल नेम को देना होता है। अब आप मान लेते हैं एक डेटा के नाम से सेव करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, डेटा लिखे और डेटा के नाम से हम सेव कर रहे हैं। तो यदि आप बायोडेटा बना रहे हैं बायोडेटा के नाम से नहीं सेव कीजिएगा, 6 महीना के बाद खोजिएगा तो नाम ही भूल गए, तब क्या कीजिएगा, नाम है याद लेकिन जगह नहीं याद है तो नाम से खोज लीजिएगा। यदि जगह है नाम भूल गए तब तो हम जगह देख देख के पढ़ के निकाल सकते हैं। तो हम लोग डेटा के नाम से इसको सेव करके डेटा के नाम से फाइल को रख दिए, उसके बाद सेव कर दिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये मेरा फाइल सुरक्षित हो गया, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा ये फाइल सुरक्षित है या नहीं है, तो इसको क्रॉस